ये हल्दीराम का ब्रेकफास्ट मेन्यू। सुबह के 10:40 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हल्दीराम करने के लिए ब्रेकफास्ट। और इनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स बिगिन। ये आलू पूरी सब्जी है, आलू प्याज पराठे, ये वड़ा पाव और ये कटिंग टी। चलो फिर आलू पराठे से स्टार्ट करते हैं। दिखने में तो बढ़िया लग रहा है बहुत। चलो, घर वाला टेस्ट है बिल्कुल भाई। फिलिंग तो पूरी भर रखी है भाई, एक एक पॉइंट तक। वी आर वेरी क्लोज टू 100K, तो डू सब्सक्राइब। यार ये कटिंग टी तो भाई मस्त लग रही है। कड़क तो है भाई, फुल फ्लेवर आ रहा है। और ये रहा हमारा वड़ा पाव। ठीक है, इट इज ओके। ये है हमारा भंडारे का खाना। आलू तो मैं खा गया था बीच बीच में, बढ़िया टेस्ट है। आलू का टेस्ट तो थोड़ा सा सांभर जैसा है। पूरी हलवा, आई लव इट। और इतना कुछ आइटम हमने खरीदा 265 रुपीज का। और आदित्य को क्या पसंद आया ज्यादा? यार मोटे, सबसे बेस्ट तो मेरे को आलू का पराठा लगा भाई। उसके साथ वो दही थी ना, परफेक्ट दही थी भाई, मजा आ जाता वो कॉम्बो खा के। और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया पूरी और हलवा, एक नंबर फ्लेवर था यार। और ये है रोनी के मोस्ट फेमस छोले भटूरे। आज हम आया है गोपाल जी के छोले भटूरे खाने के लिए, तो सीधा चलते हैं अंदर। और यहाँ पे प्राइस जो है 120 रुपीज, 120 रुपए का फुल है और 70 रुपए का हाफ है। तो एक बार टोकन तो ले लिया, चलो अंदर चलते हैं फिर। कैसे तैसे तो हम अंदर आ ही चुके हैं और छोले भटूरे दिखने में तो बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ भटूरे मरे मरे लग रहे हैं, छोले बढ़िया लग रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। भाई इनके छोले तो भाई बहुत ही मस्त लग रहे हैं। चलो भाई एक बाइट तो बनती है इसकी बढ़िया। 3, 2, 1। ये है इम्तिहान की घड़ी। नो 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 नो। भाई छोलों का फ्लेवर रियल गुड भाई, ऐसी चीज नहीं खाई भाई, तभी फेमस है, तभी ये बहुत ज्यादा चलते हैं। अब तक के बेस्ट छोले भटूरे खाए मैंने। ठीक है, फीलिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है, बड़े छोले वर्ल्ड क्लास है भाई। चलो अब खा के मिलता हूँ। भटूरे खाने के बाद कुछ पीने का मन हुआ था, आ गए पीने बंटा। मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू। सुबह के बज चुके हैं 10 और आज हम आए मैकडोनल्ड्स टू ट्राई देयर ब्रेकफास्ट मेन्यू। और इनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने ब्रेकफास्ट में मंगवाया है हैश ब्राउन, मैकमफिन, हॉट केक और कोल्ड कॉफी। आज पहले बटर बटर लगा देंगे हम। अरे वो वहाँ पे बटर लगा रहे हैं, यहाँ पे कॉफी के चुस्के ले लेते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेपल सिरप डाल देते हैं। हमारा पहला बाइट ब्रेकफास्ट का कैसा है? अच्छा भाई, पैनकेक तो पहले भी खा रखा था, बहुत बढ़िया लगा। एक टिक्की है ये, मेरे को अच्छा लगा। इसमें लाल चटनी हरी चटनी डालो, टिक्की बन जाएगी प्रॉपर। ये बढ़िया लग रहा है। यू कंफ्यूज हो गया, अलग है। पालक का लग रहा है मेरे को टिक्की भाई। हाँ यार, पालक आलू समथिंग है, बट इट इज गुड। हाँ हाँ, गजब लग रहा है। हाँ, आई लाइक इट। और जो हमारा एंटायर ब्रेकफास्ट था वो हमें पड़ा 302 रुपीज का, जिसमें सबसे बढ़िया मुझे कॉफी और ये हॉट केक लगा। तो बेस्ट तो यही था। ये है बीकानेर का ब्रेकफास्ट मेन्यू। तो सुबह के बज रहे 10 और आज हम पहुंच चुके हैं बीकानेर वाला करने के लिए ब्रेकफास्ट। और इनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स बिगिन। और आज हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है फ्रूट कप, वड़ा सांभर, आलू पूरी, आलू पराठा और कुल्हड़ चाय। पूरी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये सब्जी बहुत मस्त है भाई, सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया। टमाटर की चटनी, फिर लोग बोलेंगे घर वाला क्या होता है। घर वाला होता है भाई, घर वाला। कड़क टी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लेट मी ईट, देन आई विल मीट यू। सब खा के फिनिश कर दे। और इसका बिल था 320 रुपीज। कैसा लगा? हाँ, ये टोटली सेटिस्फेक्शन होता है ना, जो एक हिट कर जाता है भाई, वो है ये। मेरे को पर्सनली इनका वड़ा सांभर एक नंबर लगा। और तुझे क्या पसंद आया? मुझे फ्रूट कप तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये है अमृतसरी कुलचा। सुबह के बज चुके हैं 10 और खाना है अमृतसरी कुलचा पीतमपुरा में, जो की 15-16 साल हो चुके इस जगह। चलो फिर खाते और देखते की कैसे है। सो लेट्स बिगिन। राजमा दाल और छोले है, और यह दाल मखनी, और साथ में आपको रायता भी मिलेगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, इट इज गुड यार। पूरा प्लेट भर के मिल रहा है आपको। ये मिक्स वाले कुलचे हैं और ये आलू प्याज। इसको बोलते प्रॉपर पंजाबी ब्रेकफास्ट। और ये स्टफिंग देखो गाइस, पूरा भरा पड़ा है मिक्स है वाला। बटर डाल दो इसमें। ये हम उठाएंगे। ओ बहुत गर्म है। ओहो, मजा आ गया। अरे ठंडी ठंडी रायता, छोले कढ़ाई मारे। राजमा तो बहुत बढ़िया। और ये सब्जी अनलिमिटेड टाइम, यू कैन ट्रिपल इट। 120 रुपए का है, 120। यहाँ पे लस्सी भी आ गई हमारी। लस्सी ओके ओके।
एडजस्ट कर ले। यह बर्गर किंग का ब्रेकफास्ट मेन्यू। लास्ट वीडियो में हमने मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू ट्राई किया था, तो आज हम करेंगे बर्गर किंग का ब्रेकफास्ट ट्राई। सो लेट्स बिगिन। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में लिया है क्रिस्पी वेज, वेज मखनी, हैश ब्राउन, वेज स्ट्रिप्स और कैपुचिनो। स्टार्ट किससे करेगा? वेज मखनी से करते हैं। चलो फिर। सॉस ढंग से दिए, बाहर ही निकल गया पूरा का पूरा। मखनी एज यूजुअल बहुत अच्छा ही रहेगा। स्ट्रिप्स भी बढ़िया, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। टेस्ट है ना बिल्कुल जो हमारा क्रिस्पी वेज का जो पैटीज है ना वैसा है। मेरे को बढ़िया लगे वेज स्ट्रिप्स। बीकी का जो हैश ब्राउन है ना थोड़ा ऑयली ऑयली है, कुछ ज्यादा ही ऑयली है। तेल पूरा निकल रहा है देखो। ऑयल ना टेस्ट ओवरटेक कर रहा है। हाँ, मुझे पसंद नहीं आया। बहुत भर के दिए। सॉस में सुबह सुबह में इसका क्रिस्पी वेज सबसे बेस्ट होता है बर्गर किंग का, नो डाउट। एक कैपुचिनो के ऊपर का डिजाइन बड़ा अच्छा लगा बीके। नहीं ठीक है, कैपुचिनो है, नॉर्मल कैपुचिनो है, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं। पूरा एंटायर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो हमने खाया वो है 260 रुपीस का, और इसमें हमें सबसे ज्यादा मेरे को जो पसंद है वो था हमारा मखनी बर्गर और तुझे कॉफी। और सुबह सुबह आने से एक एडवांटेज है कि फ्रेश फील होगा सब कुछ बहुत ज्यादा।